गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 1 सेंटेंसेस की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 1 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज फिल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर कुछ ग्रुप्स, वर्ड्स के ग्रुप्स दिए हैं जिनको आपको एक प्रॉपर सेंटेंस में बनाना है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर दिया है चेयर विद मेक्स हिज एंड आर टूल्स टेबल कारपेंटर। अब हम इसको कैसे रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस में बदलेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ कारपेंटर मेक्स बनाता है, क्या बनाता है? चेयर। तो आ कारपेंटर मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स, मतलब जो बढ़ई है वो चेयर और टेबल्स बनाता है। विद हिज टूल्स, अपने औजारों के साथ। तो क्या बना? आ कारपेंटर मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स विद हिज टूल्स, मतलब कारपेंटर कुर्सी मेज बनाता है, किससे? अपने औजारों से। तो बढ़ई अपने औजारों से कुर्सी मेज बनाता है। ऐसे ही अब हम अपना जो सेकंड नंबर पर जो रीअरेंज दिया है उसको सही करते हैं। द ऑन बॉयज द आर स्टेज डांसिंग। तो सबसे पहले द बॉय, द बॉयज, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर मेन वर्ब डांसिंग। कहां पर करोगे? स्टेज पर। तो ऑन द स्टेज, तो क्या बना? द बॉयज आर डांसिंग ऑन द स्टेज। क्या हुआ? द बॉयज आर डांसिंग ऑन द स्टेज। उसके बाद बच्चों, जो हमारा थर्ड नंबर का रीअरेंज है वो क्या है? ब्यूटिफुल फ्लावर द रोज इज अ, तो द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, क्या बना? द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। उसके बाद अगला देखते हैं। तो फोर्थ नंबर पर क्या है? बिजनेसमैन हर इज अ फादर, तो हर फादर, हर फादर मतलब उसके पिताजी, इज अ हैं एक बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन, तो क्या हुआ? हर फादर इज अ बिजनेसमैन, मतलब उसके पिताजी एक बिजनेसमैन है। तो हर फादर इज अ बिजनेसमैन। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर पर जो रीअरेंज है वो क्या है? ड्राइव्स अ कार, ड्राइवर द, तो द ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, मतलब गाड़ी चालक कार चलाता है। तो द ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, ओके। चलिए, तो हमारी जो बी नंबर की एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। आपको ए नंबर की एक्सरसाइज समझ आ गई, उसमें आपको क्या करना है? जो आपको ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हैं उनको आपको एक प्रॉपर सेंटेंस में लगाना है। तो फर्स्ट वाला, जैसे आपको मैंने बताया, अ कारपेंटर मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स विद हिज टूल। सेकंड वाला, द बॉयज आर डांसिंग ऑन द स्टेज। थर्ड, द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। फोर्थ नंबर, हर फादर इज अ बिजनेसमैन। फिफ्थ नंबर, द ड्राइवर ड्राइव्स अ कार। चलिए, अब हम अपनी बी नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं। तो ए नंबर की एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी, अब हम कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे? बी नंबर की एक्सरसाइज जो है हमारी। तो बी नंबर की एक्सरसाइज क्या है? राइट द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको आपको पता है कि मैंने आपको अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें समझाया था कि जो सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो आज हम उन्हीं टाइप्स को यहाँ पर, उन्हीं काइंड्स को लिखेंगे। पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और वो हमें किस टाइप का लगता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेंटेंस का नेम लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू, मतलब क्या हुआ? भगवान तुम्हें ब्लेस करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखे, या भगवान तुम्हें सदा हमेशा खुश रखे। तो मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग दी जा रही है इसमें आपको। क्या दिया जा रहा है बच्चों? ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। और हम ब्लेसिंग्स किसमें देते हैं?
ऑप्टेटिव सेंटेंस में देते हैं, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? ऑप्टेटिव। उसके बाद अगला देखिए, ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, मतलब मेरे लिए एक कप चाय लाओ। यहां पर क्या दिया जा रहा है बच्चों? ऑर्डर दिया जा रहा है, और ऑर्डर हम किस में देते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में देते हैं। ऑर्डर हम कौन से सेंटेंसेस में देते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद माय सिस्टर इज अ फेमस डॉक्टर, मेरी बहन एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। यहां पर केवल एक स्टेटमेंट है और वो भी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस हुआ। उसके बाद रवि इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रवि गाना गाता है। यहां रवि इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रवि एक गाना गाता है, ये कौन सा सेंटेंस हुआ बताइए बच्चों? असर्टिव सेंटेंस है ना। उसके बाद द अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ एक ग्रह है, तो यहां पर भी कुछ ना ही हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ना ही हम ऑर्डर दे रहे हैं, ना ही हम सडन फीलिंग्स देख रहे हैं, तो यहां पर आपका कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव, क्योंकि यहां पर एक सिंपल स्टेटमेंट बोला गया है। तो जहां हम कोई सिंपल स्टेटमेंट बोल देते हैं तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव। चलिए सिक्स नंबर का देखते हैं, वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी मतलब तुम कहां पढ़ते हो। तो बच्चों यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो हम क्वेश्चन कौन से सेंटेंस में पूछते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये क्या हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद सेवेंथ नंबर का देखिए, गो बैक टू योर सीट, अपनी सीट पर वापस जाओ या अपनी सीट पर जाओ। तो यहां आपको क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, और ऑर्डर हम किस में देते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस। आई हैव फैलन ऑन द रोड, मतलब ओ मैं सड़क पर गिर गया। यहां पर आपको अचानक से सडन फीलिंग आई कि आप सड़क पर गिर गए, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ बताइए बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बच्चों आपको समझ आया? बताइए आपको बी नंबर की एक्सरसाइज समझ आई? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में चैप्टर वन की एक्सरसाइज नंबर ए और एक्सरसाइज नंबर बी अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए गुड बाय।